रश्मि अपने पति अजीत के साथ अपनी माँ मीना के यहाँ रह करती थी। मीना के पति के देहांत को काफी वर्ष हो चुके थे, पर मीना का दिल आज भी जवान था। मीना बड़े ही रंगीन मिजाज की थी, क्योंकि उसका दामाद अजीत बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था। इस वजह से मीना अक्सर अपने जवाई से मजाक कर लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीना बहुत अच्छी साड़ी पहनकर तैयार होकर अपने कमरे से आती है और अजीत अपनी सास को देख सीटी मारते हुए बोलता है, क्या बात है सासू माँ, आज तो आप एकदम 18 बरस की कुंवारी कली लग रही हैं। और कहाँ जा रही हैं अपने उसकी बिजली गिराने? कहो तो ये बिजली आप पर गिरा दे दामाद जी, आप भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। काश मेरी बेटी से पहले आप मुझे मिल गए होते तो शायद आज आप मेरी बेटी के पति नहीं बल्कि मेरे पति होते। इतना कहकर मीना और अजीत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ रश्मि आती है और अपने माँ और पति को ऐसे हंसता देख मन में सोचती है, मेरी माँ और पति की कुछ ज्यादा ही आपस में हंसी हो रही है। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? कहीं मेरी माँ मेरी सौतन बनने के चक्कर में तो नहीं है? राम राम, कैसी बातें सोच रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे कुछ बात हो गई होगी, शायद इसलिए ऐसे हंस रहे हैं। तू भी रश्मि पागल हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या कोई सास कभी किसी दामाद की सेटिंग होती है भला? ऐसे ही रश्मि बड़बड़ाती हुई अजीत और मीना के पास जाती है और बोलती है, क्या बात है, बड़ी जोर से हंसी आ रही है, मुझे भी बता दो क्या बात हुई है। अरे कुछ नहीं, बस सासू माँ से सेटिंग हो रही है। क्या क्या कहा तुमने? अरे अरे मजाक कर रहा हूँ डार्लिंग, ऐसे ही कुछ हंसी की बातें हो रही थी, बस तो जोर से हंसने लगा। खैर छोड़ो, ये बताओ नाश्ता रेडी कर दिया क्या? मुझे नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलना है। जी हाँ, नाश्ता तैयार है, चलिए। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद अजीत ऑफिस के लिए निकल जाता है और रश्मि घर के काम में लग जाती है और मीना अपने कमरे में जाकर आराम से फोन चलाने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। मीना और अजीत की काफी बना करती थी, जिस वजह से दोनों बहुत सारी बातें किया करते थे। ऐसे ही एक दिन मीना किसी से फोन पर बात करती है। अच्छा सुनो ना, आज मेरे दही बल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए दही बल्ले लेकर आओगी? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे प्यार को खाकर तो मैं पेट नहीं भर सकती ना, इसलिए प्लीज दही बल्ले खिला दो ना। मीना की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी हुई रश्मि चुपके से सुन लेती है और खुद से बोलती है, माँ दही बल्ले की डिमांड कर रही है और किसके प्यार की बात कर रही है? क्या मेरी माँ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? भगवान क्या दिन आ गए हैं, पर ये इंसान है कौन है? अब इस बारे में मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। क्या कहूँगी मैं उनसे कि मेरी माँ का चक्कर चल रहा है? मुझे तो बोलते हुए भी इतनी शर्म आएगी। ऐसे ही चिंता में डूबी रश्मि अपने कमरे में आ जाती है। शाम को जैसे ही अजीत घर आता है तो इससे पहले कि रश्मि कुछ बोल पाती तभी अजीत बोलता है, ये लो रश्मि, आज मैं सबके लिए दही भल्ले लेकर आया हूँ, बहुत दिनों से नहीं खाए। दही भल्ले? अरे दही भल्ले ही तो हैं, ऐसे क्यों शौक हो रही हो? अरे तुम्हें तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें डायमंड की रिंग ला दी हो। रश्मि बिना कुछ कहे अजीत के हाथ से दही भल्ले ले लेती है और उसके दिमाग में फोन पर कही हुई अपनी माँ की बातें घूमने लगती है और वह कटोरियों में दही भल्ले डालते हुए अपने मन में सोचती है, इसका मतलब मेरे पति की सेटिंग अपनी सास से है, यानी कि मेरी माँ से। मैं जिस आदमी से अपनी माँ की सेटिंग की बात करने जा रही थी वो आदमी ही मेरी माँ की सेटिंग है। भगवान ये सब क्या हो रहा है, क्या घोर कलयुग आ गया है। मैं तो न पति की रही न माँ की, क्या कहूँ मैं किसी से। ऐसे ही मन में हजारों सवालों की उलझन में उलझी रश्मि दही भल्ले लेकर सभी के पास जाती है। इस दिन के बाद से रश्मि को अपनी माँ और पति पर शक और भी ज्यादा गहरा होने लगा था। ऐसे ही एक दिन अजीत दो साड़ियाँ लेकर आता है, एक साड़ी रश्मि और दूसरी अपनी सास के लिए। मीना वाली साड़ी काफी भारी और सुंदर थी, वही रश्मि वाली साड़ी हल्की और सूती थी। ये क्या है, मेरे लिए इतनी सस्ती सी साड़ी लेकर आए हो और माँ के लिए इतनी भारी भरकम सुंदर साड़ी लेकर आए हो, क्यों? अरे जिस पर जो अच्छा लगेगा वही तो लेकर आऊंगा ना, तुम्हें डिसेंट और हल्के कपड़े पसंद है इसलिए तुम्हारे लिए ये सिंपल सी लाया हूँ, और सासू माँ को चटक मटक इसलिए उनके लिए वो लेकर आया हूँ,
और तुम देखना सासू माई साड़ी में एकदम प्रॉपर पटोला लगेगी। अजीत की बातें सुनकर रश्मि की आँख खुली की खुली रह जाती है। मीना शर्म से अपने कमरे में चली जाती है। इन सब के बाद रश्मि का शक अब यकीन में बदल जाता है। अब रश्मि बस मौके की तलाश में थी कि कब वो दिन आए जब वो अपनी माँ और पति को रंगे हाथ पकड़ उनका भांडा फोड़ दे। ऐसे ही एक दिन जब रश्मि किसी काम से अपनी माँ के कमरे में जा रही होती है, तभी कमरे के अंदर से मीना और अजीत की आवाज आती है। अरे थोड़ा अंदर की तरफ करो ना। अरे इससे ज्यादा नहीं होगा, जितना हो सकता है मैंने पूरा कर दिया। अरे थोड़ा इस तरफ करो, वो सही जगह नहीं है, ये है सही जगह। अरे एकदम सही जगह कर रहा हूँ, आप इधर उधर कर रही हैं। अच्छा ठीक है, पर आराम से। हाँ हाँ मैं आराम से ही कर रहा हूँ, चिंता मत करिए। कमरे के अंदर की आवाज सुनकर रश्मि शॉक्ड हो जाती है और खुद से बोलती है, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मेरी माँ और पति ने तो रिश्तों की सारी हदें पार कर दी है। ये लोग कैसी घटिया बातें कर रहे हैं और अंदर जो कर रहे हैं वो तो मैं अपनी जुबान से बोल भी नहीं सकती। आज मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, आज इनका भांडा फोड़ दूंगी। रश्मि जोर से दरवाजा खोल देती है और सामने का नजारा देखती है तो अजीत टेबल पर खड़ा होकर अलमारी के ऊपर कुछ सामान रख रहा होता है और मीना साइड में खड़ी होकर इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। रश्मि ये देख कर हैरान हो जाती है। रश्मि बेटा क्या हो गया, तू अचानक से ऐसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार में कमरे में क्यों घुस रही है, सब ठीक तो है ना? अरे अरे क्या हुआ रश्मि, कुछ बोलो तो सही है, एक गुस्से में क्यों हो तुम? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, सच सच बताइए मुझे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है से क्या मतलब है रश्मि? अरे मैंने कुछ कपड़े जो मैं पहनती नहीं हूँ ना उन्हें बैग में भर रही थी और मुझे कपड़ों का भरा बैग अलमारी के ऊपर रखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने दामाद जी से बोल दिया कि वो रख दे, वो कभी इधर रख रहे हैं तो कभी उधर रख रहे हैं। मैं उन्हें वही बता रही थी कि सही कैसे रखते हैं। इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना वो सब आप अजीत को बैग रखने के लिए बोल रही थी? हाँ पर तुम ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो, सच सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अजीत की बात सुनकर रश्मि सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर दोनों सास और जवाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे पागल ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो जो उस दिन दही बल्ले वाली बात थी ना, वो तो मैं एक रील बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी और उसी दिन दामाद जी दही बल्ले लेकर आ गए इत्तेफाक से। अरे दामाद जी मेरे बेटे जैसे हैं, भला मैं उन पर डोरे क्यों डालूंगी, चल माफी मांग मुझसे और अपने पति से गधी कहीं की। इस तरह हंसते हंसते रश्मि का सारा शक दूर हो जाता है और उसे यकीन आ जाता है कि उसके पति की उसके माँ के साथ कोई सेटिंग नहीं है। सोनम एक अच्छे परिवार की बेटी थी, जब भी वो कॉलेज जाती हर कोई उसे सोनम गुप्ता बेवफा है कहकर चिढ़ाता, क्योंकि उसका तो सरनेम भी गुप्ता था। लेकिन इसी के साथ साथ उसे भुजिया खाने की भी बहुत गंदी आदत थी, वो हर चीज में भुजिया मिलाकर खाया करती। उसके कॉलेज में बस एक कुनाल था जो सोनम को समझता और उसे दिल ही दिल में प्यार करता। एक दिन कुनाल सोनम से बोलता है, सोनम आओ आज साथ लंच करते हैं, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे लाया हूँ। ओ वाओ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ वैसे तुम क्या लाई हो? मैं तो आलू भुजिया लेकर आई हूँ, तुम्हें पता है जब पराठों के साथ आलू भुजिया के रोल बनाकर खाते हैं ना, ओए होए होए कसम से मजा ही आ जाता है, आज ना तुम भी ट्राई करना मेरे साथ। कुनाल सोनम की ये बात सुनकर हंस पड़ता है और उसकी आलू भुजिया की दीवानगी को क्यूटनेस समझकर इग्नोर कर देता है। दोनों साथ में कैंटीन में जाते हैं, जहां एक तरफ कुनाल पराठों से दही और अचार खा रहा था तो वहीं सोनम पराठों में भुजिया भरकर रोल बनाकर खाती है और मजे ले लेकर उसे चबाती है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद में सोनम घर आकर अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोलती है, माँ माँ कहाँ हो आप, जल्दी आओ ना। आई बाबा। अरे जल्दी आओ ना, मुझसे सबर नहीं हो रहा, भूख लगी है मुझे, क्या बनाया है खाने में? आज मैंने बूंदी का रायता और भिंडी बनाई है रोटी के साथ, तू मुँह हाथ धो ले मैं खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर केतकी किचन में चली जाती है और सोनम फ्रेश होने जाती है। थोड़ी देर बाद में जब सोनम
और उसकी माँ खाना खाने बैठते हैं, तो सोनम भिंडी और रायते में आलू की भुजिया मिला देती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, हे भगवान, कैसी लड़की है तू, हर चीज में भुजिया डालना जरूरी होता है क्या? बचपन में मुझे लगता था कि बड़ी होकर सुधर जाएगी, पर तेरी हरकतों में कोई सुधार नहीं है। क्या तू बिना भुजिया के खाना नहीं खा सकती क्या? माँ, खाने में आलू भुजिया डाले बिना ना मुझे स्वाद नहीं आता। लो, आप भी ट्राई करो। इतना कहकर सोनम भुजिया और सब्जी से भरा हुआ निवाला अपनी माँ के मुँह में डालने लगती है और केत की गंदा सा मुँह बनाकर उसे खा लेती है। अगले दिन कॉलेज में कुणाल सोनम से मिलता है और उसे बोलता है, सोनम, क्या आज तुम मेरे साथ कॉलेज के बाद चाय पर चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्लास खत्म होने के बाद कुणाल और सोनम कैंटीन में जाकर चाय पीने लगते हैं। जहाँ कुणाल चुस्कियाँ लेकर चाय पी रहा है, तो वहीं सोनम अपने बैग से भुजिया का पैकेट निकालती है और उसे चाय में डाल देती है। ये देखकर कुणाल बोलता है, अरे ये क्या सोनम, तुमने चाय में ही भुजिया डाल दी। यार, एक बार तुम भी ऐसे चाय पी के देखो ना, बड़ा गजब का स्वाद आता है इसमें। इतना बोलकर सोनम कुणाल की चाय में भुजिया डाल देती है और बेचारे कुणाल को सोनम को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती उस चाय को पीना पड़ता है, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन अच्छे से तैयार होकर सोनम कॉलेज जाती है, जहां उसके जाते ही उसे कुणाल मिलता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे एक गुलाब देते हुए बोलता है, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? तो मैं तुमसे कहूँगी कि इस बात को अगर तुम जरा घुमा फिरा के, जरा भुजिया खिला के कहते तो ज्यादा अच्छा होता। जान, तुम्हारे लिए मैं भुजिया की फैक्ट्री खोल दूँ। हाँ, बोल दो बस। सोच लो, तुमने लोगों से सुना नहीं है क्या? क्या नहीं सुना? यही कि सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर मैंने तुमसे बेवफाई कर दी तो? अरे मेरी जान, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भुजिया खाकर अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर सोनम हंसने लगती है और कुणाल के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद कुणाल को पता चलता है कि सोनम को भुजिया खाने की बहुत बुरी आदत है। ऐसे ही शाम को वो अपने घर पर सोनम के बारे में सोच रहा था, तभी वो खुद से बोलता है, यार मुझे सोनम की ये भुजिया वाली आदत छुड़वानी होगी, वरना मेरी शादी में भुजिया के नान, भुजिया की मटर पनीर और भुजिया के गोलगप्पे सर्व होंगे, और अगर मेरे बच्चे भी भुजिया जैसे हो गए तो, अरे नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन कुणाल च्युइंगम खाता हुआ कॉलेज आता है और सोनम के सामने आते ही उसे फुलाने लगता है, जिसे देखकर सोनम बोलती है, क्या बात है, आज सुबह सुबह च्युइंगम, अरे तुम्हें पता नहीं है ज्यादा च्युइंगम नहीं खाने चाहिए। हाँ यार, अब से मैंने सोचा है कि मैं हर समय इसे ही खाऊंगा, खाने से पहले, खाने के बाद, सोते हुए, उठने के बाद, मुझे तो इसके बिना रहना ही नहीं है। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, इससे ज्यादा खाने से नुकसान होता है, मैं मना कर रही हूँ ना, नहीं खाओगे अब तुम ये। अच्छा, तुम भुजिया खाओ तो ठीक, मैं ये खाऊं तो गलत, यार इतना भेदभाव क्यों? नुकसान तो भुजिया भी करती है ना, क्योंकि ये भी तो पैक्ड फूड है। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम भुजिया छोड़ो तो मैं इसे अभी छोड़ दूंगा। अरे यार, पर तुम जानते हो ना कि मुझे आलू भुजिया खाना कितना ज्यादा पसंद है, फिर तुम उसे छोड़ने के बाद कैसे कह सकते हो मुझसे? तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी ये आदत नहीं बदल सकता। पर कुणाल, ये गलत है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो तुम भी मेरी बात समझो ना। देखो सोनम, ऐसे पैक्ड फूड खाना तुम्हारी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है तुम जानती भी नहीं हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज ये सब छोड़ दो। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे कुणाल का क्या होगा? खाओ मेरी कसम कि अगर मैं भुजिया खाना छोड़ दूंगी तो तुम भी इसे खाना छोड़ दोगे। हाँ बाबा, तुम्हारी कसम, अगर तुमने भुजिया छोड़ दी तो मैं भी कुछ भी गलत नहीं खाऊंगा। कुणाल के इतना कहते ही सोनम अपने बैग से भुजिया का पैकेट निकालती है और उसे फेंक देती है। कुणाल भी च्युइंगम को थूक देता है, जिसके बाद दोनों कैंटीन में जाकर चाय पीते हैं। सोनम अपने घर जाती है और उसकी माँ उसके आगे दाल, चावल और भुजिया का पैकेट लाकर रख देती है, जिसके बाद सोनम भुजिया के पैकेट को साइड करके दाल चावल खाती है और सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है।
ये देखकर केतकी चौंक जाती है और सोनम का बुखार चेक करते हुए उसे बोलती है, तू ठीक है ना बेटा, आज तूने भुजिया छोड़ दी। हाँ माँ, आज के बाद मैं भुजिया कभी नहीं खाऊंगी। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि तू भुजिया छोड़ने को तैयार हो गई? केतकी के पूछने पर सोनम उसे सारी बात बताती है, जिसे जानकर केतकी हंस पड़ती है और हंसते हुए बोलती है, अरे वाह, जो काम माँ नहीं कर सकी वो काम उस लड़के ने कर दिखाया। कल तू उसे हमारे घर लेके आ जा। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर लेके आऊंगी कुणाल को घर पे। लड़का बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी आलू भुजिया जैसा, करारा चटपटा। भुजिया खाना छोड़ दिया पर उसका ख्याल नहीं छोड़ा। अरे माँ, पुराना प्यार है, इतनी जल्दी भूल थोड़ी ना जाऊंगी। सोनम अगले दिन कुणाल को लेकर घर आती है और केतकी कुणाल को देखते ही उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों घरों की रजामंदी से कुणाल और सोनम की शादी हो जाती है और सोनम फिर कभी कभी ही मन होने पर भुजिया खाया करती। फुर्सत लाल सुबह सुबह चाय पीकर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी उसकी बीवी सच धज कर अपने हाथों में पर्स लेकर उसके पास आती है और अपने हाथों को आगे करके उसे बोलती है, चलिए पैसे दीजिए, कल मैंने पूरे 5,000 की शॉपिंग की थी, वो भी उधार पैसे लेकर मिस मिश्रा जी से। अरे मैंने एक साल पहले उसके पति को 1,000 रुपए दिए थे, आज तक तो मुझे नहीं मिले और वो तुमको 5,000 की शॉपिंग करवाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उसके पास तो क्रेडिट कार्ड है, मैं तो बोलती हूँ कि आप भी 2-3 क्रेडिट कार्ड ले लो, बड़े काम की चीज है। फुर्सत लाल का एक ही विचार, आज नगद कल उधार, मैं नगद पर विश्वास रखता हूँ। पर क्रेडिट कार्ड तो उधार देने के लिए ही है और बहुत सारी स्कीम भी मिलती है। इसका मतलब सामने से उधार मिल रहा है। चलो, फुर्सत का विचार बदल गया, फुर्सत अभी फुर्सत में कंगाल बैंक जाकर क्रेडिट कार्ड लेकर आता है। फुर्सत क्रेडिट कार्ड के बारे में सुनते ही बैंक जाता है, जहां वो एक आदमी को आराम से चाय पीता देखकर उसे बोलता है, सर मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है, कैसे मिलेगा? अरे भैया, हमें क्या पता कैसे मिलेगा, हम तो यहाँ के गार्ड हैं। कार्ड के बारे में तो आपको भाटिया सर बताएंगे। तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम गार्ड हो, खैर भाटिया सर कहाँ मिलेंगे? बैंक का गार्ड फुर्सत को अपने साथ भाटिया के कैबिन में लेकर जाता है, जहां बैठकर फुर्सत भाटिया से कार्ड के बारे में थोड़ी सी पूछताछ करता है, पर उसके मुंह में पान भरा होने की वजह से फुर्सत को उसकी बात समझ नहीं आती और वो भाटिया से बोलता है, सर पान थूक कर बोलिए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? भाटिया अपने मुंह का पान थूक कर उसे बोलता है, देखिए जनाब, जब तक बात पान से भरकर नहीं होती तब तक पान को थूका नहीं जा सकता, पर हमने आपके लिए अपना पान थूका है, तो अब आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड लेकर ही जाना। चलिए अब जाइए और एक फॉर्म लेकर आइए। किस लिए? कार्ड लेने के लिए। पर फॉर्म लाना कहाँ से है? भाटिया अपने टेबल पर रखी बेल बजाता है और गार्ड को बुलाकर फुर्सत को उसके साथ भेज देता है। गार्ड उसको फॉर्म देकर फिर से भाटिया के पास जाने को बोलता है, जिस पर फुर्सत उससे कहता है, अरे पर हमारा फॉर्म तो भर दीजिए। अरे अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो आज मैं फॉर्म ना बांट रहा होता बल्कि फॉर्म ले रहा होता। भाटिया जी के पास जाओ, वही तुम्हारा फॉर्म लेकर आगे पास करेंगे। और सुनो, लाओ 100 रुपया। 100 रुपए किस बात के? अरे फॉर्म और इन्फॉर्मेशन के, सारा काम पैसे से होता है और आप भी तो यहाँ उधार ही लेने आए हैं। फुर्सत उसे 100 रुपए देता है और भाटिया के पास जाता है, जहाँ वो फिर से अपने मुंह में पान भरकर उसका फॉर्म फिल करता है। फॉर्म भरने के बाद भाटिया उसके हाथों में उसका फॉर्म देकर उसे उषा मैडम के पास जाने को बोलता है, जिस पर फुर्सत उसे कहता है, सर कार्ड कब तक मिल जाएगा? 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। पर सर आज मैं बड़ी फुर्सत में आया था, अगर आज की आज क्रेडिट कार्ड मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। मिल जाएगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा और फुर्सत से बैठना होगा और हमारी जेब को गर्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, आज मैं अपने ऑफिस ना जाकर आपके ऑफिस में आया हूँ बड़े फुर्सत से। मेरा नाम भी मेरे माँ बाप ने फुर्सत इसीलिए रखा था, ताकि मैं अपना सारा काम फुर्सत से कर सकूं। पर सर मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया,
मतलब मैं आपकी जेब कैसे गरम करूं? फुर्सत के सवाल सुनकर भाटिया उसको सारी बात समझाता है और अपने हाथों को आगे करके उससे पैसे मांगता है। फुर्सत मुंह बनाते हुए उसके हाथों पर 100 रुपए रख देता है, जिसे भाटिया अपनी जेब में रखता हुआ बोलता है, अरे 100 रुपया तो हमारे यहाँ गार्ड की फीस होती है, मेरी फीस 500 है। इससे पहले कोई आ जाए फुर्सत से, फुर्सत जी 400 और दे दीजिए, ताकि मैं आपकी फाइल को आज ही आगे पास करवा सकूं। फुर्सत अपना काम करवाने के लिए अपने पर्स से 400 रुपए और निकाल के उसके हाथ में थमा देता है, जिसके बाद वो अपनी फाइल लेकर उषा मैम के कैबिन में जाता है, जहां वो कुछ फल और मिठाइयां खा रही होती है। फुर्सत के अंदर आते ही उषा उसके हाथों से फॉर्म लेकर उसको 5 मिनट के लिए बैठने को कहती है। कुछ देर बाद में उषा फुर्सत को अंदर बुलाकर उसे बोलती है, आपका फॉर्म फिल हो गया है और प्रोसेसिंग फीस का चेक भी आ गया है, तो बोलिए कितना उधार चाहिए आपको? जितना आप दे दें मैडम। वो तो आपका काम और आपकी कमाई देखकर बताएंगे हम। अच्छा ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? पापड़ बेचते हैं हम। मेरी फुर्सत लाल नाम से एक पापड़ की फैक्ट्री है, वहाँ हर तरह के पापड़ बनते हैं। तो खिलाइए ना। क्या पापड़? वो किस लिए? अरे मेरी सेहत के लिए, ताकि पापड़ खाकर मुझ में ताकत आ सके और मैं कल आपके सारे पेपर्स पर साइन करके आपको क्रेडिट कार्ड दे सकूं। उषा फुर्सत को भेजकर गार्ड को बुलाकर उसे बोलती है, ये इंसान ऑफिस के टाइम में खाने की बात करके चला गया, खाने की बात सुन के ही मुझे भूख लग जाती है। एक काम करो, मेरे लिए बाहर से 4 समोसे लेकर आओ। गार्ड पैसे लेकर उसके लिए समोसे लेने चला जाता है। अगले दिन फुर्सत कुछ पापड़ लेकर कंगाल बैंक जाता है और वहां जाकर उषा से मिलता है, जहां उषा पापड़ खाकर उसको अपने बैंक के इंटरेस्ट के बारे में बताने लगती है, जिस पर फुर्सत उसे कहता है, मैडम आप आराम से पापड़ खाइए ना, मुझे इंटरेस्ट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस मुझे मेरा कार्ड दे दो, मुझसे पैसे लिए गए थे और बोला था कि कल ही मिल जाएगा, पर अभी तक कार्ड ही नहीं मिला। ठीक है मत जानिए इंटरेस्ट के बारे में, पर एक अकाउंट तो खुलवाना होगा आपको हमारे कंगाल बैंक में। ठीक है, पर इसके लिए आपको बाहर गार्ड से फॉर्म लाना होगा और भाटिया जी से फिल करवाना होगा। फुर्सत मुंह बनाते हुए गार्ड के पास जाता है और फॉर्म मांगता है, जिस पर गार्ड उसे बोलता है, दीजिए मैं क्या दूं? अरे मैं तो फॉर्म ही दूंगा, पैसे तो आप ही देंगे ना। फुर्सत एक बार फिर से उसे 100 का नोट देकर भाटिया के पास जाता है, जहां वो फॉर्म फिल करने के लिए एक बार फिर से उसको 500 रुपए देता है। वहां से उषा के पास जाता है, जहां उषा उसका अकाउंट खोलकर उसे बोलती है, चलिए अब 1000 रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए और 2 लाख की FD करवा लीजिए, क्योंकि आपके कार्ड की लिमिट 1.5 लाख की होगी। नहीं नहीं मुझे नहीं करवानी FD, पहले ही मैं बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ। आपके पैसे आपके ही बैंक में सेव रहेंगे। फुर्सत अपना फायदा देख FD करवा लेता है। क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद फुर्सत बिना एक भी इंस्टॉलमेंट पे किए अपनी बीवी के साथ रोज शॉपिंग करता और 5-स्टार होटल में खाना खाया करता, जिसके चलते 3 ही महीने में उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है, जिस पर फुर्सत गुस्से में बैंक आता है और उन सब पर भड़कने लगता है और उषा उसे बोलती है, आपने अपने बैंक की लिमिट खुद खत्म की है, वो भी सिर्फ 3 महीनों में बिना कोई किस्त भरे, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर से कार्ड के फायदे मिले, तो इंटरेस्ट के साथ पैसे भर दीजिए। उधार चुकाने के लिए थोड़ी ना उधार लिया जाता है, अरे इसीलिए मैं उधार नहीं देता, मैंने तो अपने ऑफिस का रूल बना रखा है, आज नगद कल उधार। तो हमारे ऑफिस का भी रूल है, अगर आप हमारा दिया उधार खा जाएंगे तो बैंक भी आपकी FD खा जाएगा। इसीलिए सर आपके पास ना ही अब कार्ड है और ना ही FD के पैसे। क्या? पर कुछ तो बचा होगा, ये उधार तो बहुत भारी पड़ गया मुझ पर। तभी तो किसी ने कहा है आज नगद कल उधार। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।